दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार बनने की कहानी, गुरु जी का पूरा इतिहास जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूज्य गुरु जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। वह उनकी माता सरोज गर्ग और पिता राम कृपाल गर्ग के 2 बच्चों में से सबसे बड़े थे, अर्थात इनके माता पिता के 2 बच्चे हुए जिसमें गुरुजी बड़े हैं और उनका पालन पोषण एक हिंदू सरयू पारीन ब्राह्मण उद्रण बाछिंद परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। शास्त्री का बचपन अत्यधिक गरीबी में बीता। उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बचपन में वे अपने गांव में लोगों को कहानियां सुनाया करते थे। महाराज जी ने अपनी स्कूली शिक्षा गज गांव में पूरी की। शास्त्री जी राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। महाराज जी को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। वह अपने साधना के माध्यम से प्राप्त कुछ करिश्माई शक्तियों से लोगों का मुसीबत हल करते हैं। शास्त्री जी एक पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हनुमान जी को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। शास्त्री प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को इस धाम में एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहाँ यह माना जाता है कि वह अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को सभी शारीरिक मानसिक आर्थिक और सामाजिक तकलीफों को दूर करते हैं।